अंबेडकर नगर। खराब मौसम के कारण उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम जनपद में औपचारिकता बनकर रह गया। आज गुरुवार का पूरा दिन बारिश की भेंट चढ़ गया और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अंबेडकर नगर भ्रमण समीक्षा कार्यक्रम महज औपचारिकता बनकर रह गया। इधर भाजपा कार्यालय पहुंचने से पहले उनको निखिल जायसवाल समाजवादी पार्टी उजन सभा जिला महासचिव ने काला झंडा दिखाया। पुलिस ने उनको तत्काल हिरासत में ले लिया, बाद में छोड़ दिया। उप मुख्यमंत्री का काफिला सबसे पहले भाजपा जिला कार्यालय पहुंचा और पार्टी पदाधिकारियों से औपचारिक भेंट मुलाकात के बाद वहां से कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर मीडिया बंधुओं को संबोधित किया। मीडिया ने सबसे पहले अखिलेश यादव के विधायकों के संपर्क के बारे में उनसे पूछा। उन्होंने बताया उनके एक इशारे पर उनके विधायक आने को आतुर हैं। अखिलेश यादव दिमाग असंतुलित हो चुका है, उनको इलाज की जरूरत है। मदरसों के बारे में पूछे गए सवाल पे उन्होंने बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया। कहा, आधुनिक शिक्षा हर किसी के लिए और हर समाज वर्ग के लिए जरूरी है। इस पे राजनीति करने वाले अपने ओटों की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के अथक प्रयास से सरकार जनपद अंबेडकर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 42,000 से अधिक गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराने में सफलता हासिल की है तथा शहरी क्षेत्रों में 2017 से 22 तक के अवधि में आवास योजना के अंतर्गत 13,690 आवास उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जनपद में लगभग 4,00,000 कृषकों को योजना से लाभान्वित करने का कार्य सरकार द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान एवं समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास जारी है। अकेले अंबेडकर नगर जनपद में अगर मैं आपको जानकारी दूं, तो जानकारी के हिसाब से लगभग 42,000 से अधिक गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए गए, जिसमें 513 करोड़ रुपए से अधिक लोगों के खाते में हस्तांतरित करने का काम हुआ है। ये अंबेडकर नगर जैसे तमाम प्रकार से पीछे छूट गया जनपद को आगे बढ़ाने का एक बहुत शानदार कदम है। अगर हम शहरी दृष्टि से बात करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारी शहरी है, उसमें 2017 से 22 तक हम लोगों ने 13,690 प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया और लगभग 289 करोड़ रुपए ये सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करने का काम भी किया गया। जिले के अंदर लगभग 4,00,000 हमारे ऐसे कृषक हैं जिनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 2,000 रुपए की 3 किस्त के माध्यम से 709 करोड़ या हस्तांतरित करने का काम किया गया। कि जो शीशे के घर में रहते हैं उन्हें दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आप सब तो अवगत होंगे कि एक भी अभियुक्त जो था उस घटना का दोषी, उस बेटी बेटियों के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, हम सब दुखी हैं। उस पीड़ित दुखी परिवार पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं, और इस घटना का कोई भी दोषी कोई भी अपराधी श्री अखिलेश यादव जी अगर बचाना भी चाहे तो बचा नहीं पाए। मदरसों के सर्वे को एक गलत तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग उसको बयानबाजी करके गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसे का सर्वे जो मान्यता प्राप्त नहीं वो मान्यता ले, और जो मान्यता प्राप्त है अगर उनके यहाँ कोई कमी है और उसकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, यह सरकार की जिम्मेदारी है। उसके कारण से सर्वे हो रहा है, और सर्वे में कई ऐसे, अभी सहारनपुर में सर्वे हुआ, एक वहाँ पर कितना देश का दुश्मन वहाँ पकड़ा गया। अब श्री अखिलेश यादव जी को अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के कारण से ऐसे देश के विरोधियों के अंदर कुछ उनको वोट दिखाई देता है, तो हम उसको नहीं कुछ रोक सकते। अब देखिए, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन उत्तराखंड पेपर लीक मामले में वहाँ के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत शानदार कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती हो, भ्रष्टाचार मुक्त विकास हो, भ्रष्टाचार मुक्त गरीब कल्याण की योजनाओं का लोगों को लाभ हो, यही जहाँ भाजपा वहाँ यही योजना रही। मतलब भाजपा काम कर रही, मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, ये बेचैनी है। ये सोचते हैं अगर भाजपा की सरकार देश प्रदेश में रहेगी तो ये परिवारवादी राजनीति करने वाले, जातिवादी राजनीति करने वाले, तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों का भविष्य राजनीति में समाप्त हो जाएगा। ये घबराहट के बयान। धन्यवाद।